हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर है 90, केजी के बच्चों के लिए है और 17 तारीख की वर्कशीट है। तो बच्चों अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा आप फील कर रहे हैं आज? आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, लेट्स सिंग अलाउड द टी सॉन्ग। आज हम करने वाले हैं टी सॉन्ग। आपने ये लेटर टी तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। टैप 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 योर टो। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ। टैप 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 योर टो, टैप योर टो फॉर टी। ठीक है, टैप योर टो फॉर टी। टैप फॉर ट्रेन, टॉर्टोइज एंड टॉय। टैप फॉर ट्रेन, टॉर्टोइज एंड टॉय। टैप 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 योर टो, टैप 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 वन एंड टू। टैप 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 योर टो। ठीक है, ये था सॉन्ग, टी सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। लेट्स लर्न विथ फन। आज हम टी वर्ड सीखने वाले हैं, आपका लेटर टी सीखने वाले हैं। तो कैसे सीखेंगे? जो ये टी आपकी टीचर ने बनाया हुआ है, इस टी को आपने इसके ऊपर टेप चिपकाना है। तो आपने पहले टेप यहाँ से ऐसे सीधे ले जाना है, सीधे टेप ले जाएंगे, इसके अंदर अंदर ही होना चाहिए सीधा टी, और फिर ऊपर से नीचे को आप अपना टेप ऊपर से नीचे की तरफ ले आएंगे। ठीक है, अच्छे से लाइएगा। ये थोड़ा सा माउस से प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऊपर से ऐसे अपने टेप को लाएंगे और सीधे नीचे की तरफ, यहाँ से भी सीधे नीचे की तरफ, और इसके अंदर सिर्फ टेप से कवर करेंगे। ठीक है, अगला। लेट अस सी दीज पिक्चर्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच साउंड दे बिगिन विद। अब हमें ये पिक्चर देखना है और हमें देखना है किस से ये बिगिन होते हैं, किस साउंड से। तो टी से टैडी, ओके। T for teddy, T for tomato, T for truck, T for tiger, T for tent, T for tap, T for triangle. फिर से करते हैं। T for teddy, T for tomato, T for truck, T for tiger, T for tent, T for जस्ट अ सेकेंड, टी फॉर टेंट, टी फॉर टैप, टी फॉर ट्राइंगल। ठीक है, ये है टेडी, ये है टोमेटो, ट्रक, टाइगर, टेंट, टैप, ट्राइंगल। ओके, तो हमने देख लिया टेडी, टोमेटो, ट्रक, टाइगर, टेंट, टैप, ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That's right. All these objects start with the phonic sound T. तो ये किससे साउंड हो, ये किससे शुरू हो रहे? T. T. Teddy, tomato, truck, tiger. ठीक है, ये T की साउंड से शुरू हो रहे। अब let's try to make their letter T with clay dough. Clay dough. तो ये कह रहे हैं चिकनी मिट्टी से अब आप T बनाने की कोशिश करेंगे। आपने लेटर टी बनाना है चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी नहीं है तो गूंदा हुआ आटा ले लीजिए मम्मी से और उससे बनाने की कोशिश कीजिए। पहले सीधे ले जाइएगा और फिर एक और टुकड़ा लेके उसे नीचे को सीधी डंडी। ठीक है, एक आपकी स्लीपिंग लाइन जो सो रही है और एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन। ठीक है बच्चों, नाउ लेट सर्कल द पिक्चर हुज नेम स्टार्ट्स विद साउंड टी। तो आपको उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो स्टार्ट होते हैं किस साउंड से? ट। ठीक है, ट, टी की साउंड होती है ट, तो ट की साउंड से जो शुरू हो रहे हैं उन्हें सर्कल करना है। जैसे टी, टी से टी शर्ट। ओके, टी शर्ट को सर्कल कर लो। टी शर्ट हो गया, ये तो कैंगरू है तो इसे तो नहीं करेंगे क्योंकि ये टी से नहीं शुरू होता। टी से टेलीफोन,
टेलीफोन आपका सर्कल करेंगे क्योंकि ये टी से शुरू होता है, टी से टेलीफोन हो गया। फिर टैप, नल को इंग्लिश में कहते हैं टी, टी से टैप, ठीक है। ये हो गया आपका एरोप्लेन, तो इस ये तो ए से शुरू हो रहा है, इसे नहीं करेंगे। तौलिया, तौलिया इंग्लिश में होता है टी से टावल, तो आप इसे सर्कल करेंगे। तो कितने हैं, टी शर्ट, टेलीफोन, टैप, टावल, ठीक है। नाउ ट्रेस द लेटर टी विथ क्रेयॉन, तो क्रेयॉन कलर लीजिए और जो ये टी वाला लेटर है इसे ट्रेस करिए, इसके ऊपर भरना है आपने, ठीक है, इन्हें भरना है। अगला, नाउ वी विल डू वर्कशीट नंबर 38 फ्रॉम आर फुलवारी वर्कशीट बुक, तो अपनी फुलवारी वर्कशीट बुक खोलेंगे और उससे क्या करेंगे, उससे आप अपनी ये पेज नंबर सॉरी वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व करेंगे। और ये पेज नोट फॉर द टीचर, ओके, ये टीचर के लिए नोट है, ये छोड़ दीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, अभी आपके पेरेंट्स के लिए एक सुझाव है, टी से ट्रैफिक लाइट भी होती है। बच्चों को ट्रैफिक लाइट के नियमों के बारे में बताएं और ट्रैफिक लाइट नियम पालन करना क्यों आवश्यक है यह भी समझाएं। तो अब हम बताएंगे आपको ट्रैफिक लाइट के बारे में और ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड चीज़ें, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चे। तो बच्चों, आपकी जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें सबसे ऊपर होता है लाल रंग, फिर बीच में आपको देखने को मिलेगा पीला और लास्ट में देखने को मिलेगा आपको हरा। मैं आपके लिए हरा रंग बना देती हूँ एक मिनट, और फिर इसका मतलब भी आपको समझाती हूँ, ठीक है। लास्ट में हो गया हरा, तो लाल का मतलब होता है कि अब, लाल का मतलब है स्टॉप, कि रुक जाओ, स्टॉप, ठीक है। येलो का मतलब है कि आप क्या रहो, रेडी रहो, ठीक है, आप रेडी रहो, आप जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहो, स्टार्ट हो जाओ। और ग्रीन का मतलब होता है गो, कि अब आप जा सकते हो, गो, ठीक है। लाल का हो गया स्टॉप, रुक जाओ, येलो हो गई रेडी रहो जाने के लिए, गो, ग्रीन हो गया गो मतलब जाओ। तो बच्चों, ये ट्रैफिक लाइट के कुछ नियम के बारे में बताएं। आप ट्रैफिक लाइट क्या है कि जब ये इसके नियम हैं और हमें इन्हें क्यों फॉलो करना चाहिए, जब लाल बत्ती जल रही है तो क्यों रुक जाना चाहिए, पीली बत्ती है तो क्यों तैयार हो जाना चाहिए, हरी है तो जाने के लिए तैयार क्यों हो जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर ये नियम नहीं होंगे तो कोई भी गाड़ी रुकेगी नहीं, सब आप जाते रहेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो रोड आपस में लिंक्ड होती हैं, तो अगर हमारी रेड लाइट नहीं होगी, स्टॉप वाला नहीं होगा, तो क्या होगा, जब लाल बत्ती नहीं जलेगी तो ये दोनों, एक गाड़ी मानो यहाँ से जा रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, अगर रेड वाला सिग्नल नहीं होगा तो यहाँ से भी जाएंगी, वहां से भी जाएंगी, और कितने सारे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, सोचो कितने सारे एक्सीडेंट्स होंगे और ये हमारे लिए कितना डेंजरस है। तो ट्रैफिक नियम बहुत ज़रूरी हैं और इनका इन नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी होगी वर्कशीट, और ये बोला है कीप मेंटेनिंग डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट की दूरी बना के रखें जब भी बाहर जाएंगे दूसरों से, क्योंकि अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। मैं आपको मिलती हूँ कल, बाय बच्चों।